हूँ और मुझे यहाँ पे अवार्ड मिला गया है फॉर एक्सीलेंसी इन लीगल एडवोकेसी। मैंने मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कुछ सोशल सर्विसेज भी किए हैं, जैसे कि मीडिएशन करना, रूरल एरियाज में जाके कुछ लीगल अवेयरनेस करना। सो ये सब कुछ जो हम सर्विसेज देते हैं फॉर कॉमन पीपल, मेरा यही मानना है, यही विजन है कि ये जो लीगल सर्विसेज है इस पे सबका राइट है। हर कोई वहाँ पे नहीं पहुँच पाता क्योंकि सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते एडवोकेट्स को। तो जो चीज़ें हम आउट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं कॉमन पीपल के बीच जाकर। और ये जो फ्री लीगल एड कैंप्स है, फ्री लीगल मीडिएशन कैंप्स है, उसके द्वारा जो भी कॉमन पीपल है, जो भी रूरल एरियाज़ में लोग हैं या कोई ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हम हेल्प करते हैं। So for last 16 years, we have been running a practice called Make It Happen Solutions. So essentially, this is a practice, and I feel a unique practice, which is focusing on execution excellence. So the whole concept is that you could be having a great strategy, but if a company doesn't have the right execution machine, the strategy is going to fail. But if you have got an excellent execution machine, even a mediocre strategy will succeed. And how it started essentially is that around 16 years back, we went through a session with Ram Chandra, who is a globally renowned coach, and he said that execution has to be established as a discipline, as a corporate discipline. So what does it mean? That just like Six Sigma, we have got concepts like that where some organization, any organization, can measure its execution capacity on a scale of 1 to 10. Similarly, we have got Make It Happen leadership competencies. We have got execution maturity model. So there are various tools, techniques and framework we have developed, and we have worked with more than 100 companies who have adopted our execution, Make It Happen discipline, as their corporate discipline. And we have a track record where we are kind of providing 2x to 5x growth of companies in a very short time. So this is a very unique practice. It is not consultant. We don't call ourselves as consultants. We call ourselves as resultants. My name is Professor Premlal Joshi. मुंबई से आया हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएट और गढ़वाल विश्वविद्यालय से PhD हूँ। मैं उत्तराखंडी हूँ। दिल्ली में मैं 22 साल रहा, ठीक है, और इसके बाद मैं नीटी मुंबई में एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोट होकर चला गया। 10 साल वहाँ काम किया, उसके बाद मैं विदेश निकल गया। 32 ईयर्स तक मैं 7 कंट्री में मैंने पढ़ाया। मैं बेसिकली प्रोफेसर ऑफ अकाउंटिंग हूँ। मेरे 145 रिसर्च पेपर हैं टॉप टायर इंटरनेशनल जर्नल्स में। 90 पीसीज ऑफ जनरल आर्टिकल्स ऑन सोशल इकोनॉमिक इशूज, इंक्लूडिंग 8 पीसीज ऑन इकोनॉमिक अचीवमेंट्स अंडर करंट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विच आर पब्लिश फ्रॉम UK। ठीक है। और मेरे 10 बुक्स हैं। मैंने 8 PhD को गाइड किया और 44 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोजेक्ट्स का सुपरवाइज किया। मैंने एम द फाउंडर ऑफ 4 इंटरनेशनल जर्नल्स इन अकाउंटिंग एंड एडिटेड देम फॉर 15 ईयर्स। वर्ल्ड अचीवर्स समिट अवार्ड में आज मुझे, मैं डॉक्टर ऋतु शर्मा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ, आदिवासियों की धरती है और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पे समाज सेवा के लिए महिलाओं, बच्चों, शिशुओं के लिए, कुपोषण से ग्रसित महिलाओं और बच्चों के समस्याओं का समाधान करने के लिए हम काम करते हैं। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेडिको सोशल वर्कर होते हुए वहाँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सकती है वो हम करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अंजु गांधी है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी में से। ये अवार्ड मुझे बेस्ट एजुकेटर एज अ बेस्ट एजुकेटर मिला है। मेरा 17 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस एंड 65 मेरे रिसर्च पब्लिकेशन है, 6 बुक्स, द
6 बुक चैप्टर्स हैं एंड मैं यहाँ ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने हमें परखा और हमें ये अवार्ड दिया। सो थैंक यू ऑर्गेनाइजर। रीना फुलर है, हम पंजाब मोहाली से आए हैं। तो हमारा एक एजुकेशन संस्था है जहाँ से मैं नेशनल मॉडल स्मार्ट स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, और हम जो बच्चे गरीब बच्चे फीस वगैरह नहीं दे सकते उनको, उनके लिए भी हम उनको फ्री एजुकेशन देते हैं और उनकी हेल्प करते हैं यूनिफॉर्म में, हर चीज़ में। और यहाँ पर मुझे इवेंट लेके बहुत अच्छा लगा और इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह हमें अटेंड किया। थैंक यू। समाज में उनको सम्मानित किया गया है, कुछ अच्छा कार्यक्रम है। हम सर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत प्रेरणादायी चीज़ है, उनको बढ़ाते रहना चाहिए, इससे समाज को बहुत मदद मिलेगी। ऑर्गेनाइजर के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे ऐसे कार्यक्रम लेकर बहुत अच्छा मतलब ये ऑर्गेनाइज किया है, तो इस काम को उत्तरोत्तर उनको लगातार करते रहना। हेलो, आई एम डॉक्टर अंकुर जौहरी, एजुकेशनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड कंसल्टेंट, founder and CEO of AJ Consultants. We have like served various institutions in the establishments, recognition and approval. Being motivational speaker, if it is possible, I want to convey my few things to the youth that who is like busy with social media in unproductive content. मैं सर इतना कहना चाहूँगा उनसे कि थोड़ा समय अपने साथ बिताएँ, अपने पैशन को समझें और एनालाइज करें कि उनको क्या करना है, क्योंकि वो जो लोग सोशल मीडिया पे हो रहा है उसको कॉपी करने से आप सफल नहीं हो सकते। भीड़ का हिस्सा बनोगे तो पहुंचोगे वहीं जहां भीड़ ले जाएगी। कुछ ऐसा करो कि पहुंचो वहां, तुम पहुंच ले जाओ, तुम जाओ वहां जहां पे भीड़ आ जाए। थोड़ा सा मैं और कहना चाहूँगा कि आप इंतज़ार ही कर रहे हैं, आप वेट ही कर रहे हैं, तो सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना बेहद ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। दीपक टंडन, सीनियर प्रोफेसर एट जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस इंदिरापुर, एंड आई हैव गॉट अबाउट मोर देन 42 इयर्स एक्सपीरियंस इन टू एकेडमिक्स एज वेल एज इंडस्ट्री। आई हैव ऑथर्ड अबाउट मोर देन 137 पेपर्स, 12 बुक्स and received a lot of accolades and medals into the academics. I've authored a lot of papers into the Scopus, and I congratulate World Room Achiever Award and the organizer for the lovely and a wonderful interactions. मैंने किताब लिखा था, इसके लिए मैं एजुकेशन रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये किताब अहिंसा धर्म प्रमोट करती है, उसके बारे में मेरे मैंने इसके लिए बहुत सारे धर्म पढ़े थे, हमारे बुद्धिज्म जैनिज्म कुरान बाइबल पूरा पढ़ के उसका साथ इसके अंदर लिखा है। तो पढ़ के खुद आप चार लोग की धर्म क्या बोलते हैं, अहिंसा धर्म पढ़ते हैं, उसके नाम को सही है। ये गेटिंग दिस अवार्ड प्रेस्टीजियस इवेंट एंड टिल डेट आई हैव पब्लिश्ड अराउंड 100 पब्लिकेशंस एंड 28 पेटेंट्स फॉर दिस रिकग्निशन। आई वंस अगेन थैंक द ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड द ISR फाउंडेशन। थैंक यू सो मच। For me and could you please speak English? Hi, namaste. I am Dr. Haripral Yogananda Shastri. I am from Guntur, Andhra Pradesh, India. I achieved this Young Scientific Astrology Researcher Award in the subject of Astrology and Vastu. I am the youngest doctorate achiever in the world, and the suggestion that I am going to give is astrology is a very good subject and most of them are misusing the use of astrology. It is a great subject that could change the life of the particular man. So I just suggest everyone to be confident and say perfectly. Thank you. Today I am very glad and very happy that Institute for Social Reforms and Higher Education have been awarded me as best life coach and mindfulness trainer. Today I would like to speak about mental wellness. As you all know,
everybody at some point of their time in their life might be facing some stress, anxiety and etc. So I have written a book that is called Magic Rituals, which is going to be released next week. It's available in Amazon and also across the world. So I wish everybody should be having physical fitness and also mental fitness, which is useful for them, for their professional and also their personal development. Thank you so much for this. हमारी सरकार ने जो कानून है उसका अनुपालन करना है हर व्यक्ति को करना है। मेरे विधानसभा में भी निकलेंगे, हम उनका स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं, और चाहे मेरी विधानसभा हो चाहे किसी दूसरे की हो, नाम पट्टिका सबको लगानी चाहिए, यह सबके हित में है, इसमें किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं है। और जो नाम छुपाना चाहते हैं वो अपना मनसा स्पष्ट करें कि किस डर से नाम छुपा रहे हैं। I am founder of Thor Network. I am from Kolkata. I offer AI education for class 6 to 10 via my app. The app name is Thor Coin. So we are currently enrolling 10,000 plus. Pleasure to give you details about the World Achiever Award ceremony. Today we invited almost 70 candidates from the different across the country, and I'm really very happy that Rajiv Shukla sir, our chief guest, and other guests of honors allow and come here to conduct this ceremony. And this ceremony, this Institution for Social Reform in Higher Education, is working more and more for the underprivileged students and for the disabled child. We are working hard and we are trying to skill the students and the women of the country to develop and make this nation strong. Thank you so much for this help. I'm Gauri Sharma, and I would like to thank everyone present here, all the awardees, the guest of honors, the chief guest and the organizer of the ceremony, ISRHC. I was really inspired by the visions of our chief guest, which ranged from increasing education, skill development and women empowerment. It truly was a great experience to be here. First, thank you World Achievers Summit and our company for selecting me as an awardee of Innovative Teacher of the Year. Now, as a teacher, I personally feel innovation is very important in the field of study, not only in the field of making any content or pedagogy or any learning process. It should be included, innovation should be included not only in the related areas but also in the unrelated areas of learning and study. On my personal ground, I feel the knowledge of technology, science, business and other areas needs continuous innovation and modifications, not only for the learners but for the teachers as well. Thank you again for the organizers for this. Absolutely. Thank you. मेरा नाम डॉक्टर रानी हिलानी, मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ और मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ टीचर एंड सोशल वर्क। ये बहुत ही रियल, बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक लोग पहुँचते हैं, सिलेक्शन होना यहाँ पर कम टाइम मिलता है लोगों को यहाँ तक पहुँचने का, और यहाँ मिला फैमिली, अपने गुरुजन और आप सभी का मैं डिसेबिलिटी। सो बेसिकली मैं काम करता हूँ फॉर द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एंड उनके एम्पावरमेंट के लिए, एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी और गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग दिस अवार्ड एट दिस समिट, एंड आई आल्सो वांट टू टेल एवरीवन टू सपोर्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटी एम्पावर सो दे कैन बिकम द मेन पार्ट ऑफ अवर। पी के चौधरी, वर्किंग एट द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर एट द जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, एंड थैंक यू टू द organizing team for considering me fit enough for this award, and I am overwhelmed by receiving this kind of award. Thank you the media team also for covering me as a awardee.
शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। रही बात आज की अवार्ड सेरेमनी की, इस अवार्ड सेरेमनी में देश के विभिन्न राज्यों से अपने कार्य क्षेत्र में विशिष्ट काम करने के लिए अवार्डीज़ को आमंत्रित किया गया था। जो भी अवार्डीज़ से प्रायर इनवाइटेड थे उनको उनके कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए सम्मानित किया। सर आज कितने अवार्डीज़ आए थे अवार्ड के? आज संभवतः टोटल 63 अवार्डीज़ थे जिनमें सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शिरकत किए थे? मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि श्री राजीव शुक्ला जी, BCCI वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर IPL चेयरमैन थे। उनके साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर श्री राकेश शुक्ला जी और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री माननीय सुनील शर्मा जी, कैबिनेट मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये जो आप 60 मतलब अवार्डीज थे उनका चयन कैसे किया था आपने? अवार्डीज ने अप्लाई किया था, अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया था, अपना प्रोफाइल हमें सेंड किया था। हमारे पास जूरी मेंबर्स का पैनल है, उससे ज़्यादा जूरी मेंबर्स जो हाईली क्वालिफाइड हैं, अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज लोग हैं, उन्होंने इनमें से अवार्डीज को चयनित किया। उसके बाद हमने उन्हें कॉल किया कि आप आके आइए, यहाँ पर हम आपको सम्मान करें। सर नेक्स्ट टाइम अगर इवेंट में कोई अवार्डीज आपसे जुड़ना चाहे तो कोई वेबसाइट या फिर कोई आपका एड्रेस? यस, मेरी वेबसाइट www.ISRHE.org। इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हम साल में एक या दो बार देश के किसी भी स्थान पर इस तरीके का सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप व्यूअर को? व्यूअर को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र में जो भी हम अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे देश का भला हो, समाज का भला हो, अपने लिए भी सब लोग करते हैं, इंडिविजुअल अपनी तरक्की सब लोग चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो देश और समाज की प्रगति में अपना योगदान दें बहुत कम होते हैं। ऐसे लोगों की खोज में हम रहते हैं, उन्हीं का सम्मान। तो बहुत प्राइवेट एंड गवर्नमेंट अवार्डीज है? जी हाँ बिल्कुल, अवार्डीज दोनों तरीके के हैं। यहाँ पे अभी आप देखेंगे GTB हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी आए हैं, लेडी हार्डली के प्रिंसिपल भी आए हैं, और सिटी प्लानर डेवलपमेंट चंडीगढ़ के जो हेड है वो भी आए थे। सरकारी और गैर सरकारी सभी। थैंक यू वेरी मच।